दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु ने रविवार को महिला एकल फाइनल में चीन की वैंग झीयू को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में हराकर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट का खिताब जीता। सिंधु ने महत्वपूर्ण लम्हों पर धैर्य बरकरार रखते हुए कड़े मुकाबले में एशियाई चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन चीन की 22 साल की खिलाड़ी को 21-9, 11-21, 21-15 से हराया। इस खिताबी जीत से सिंधु का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो बर्मिंघम में 28 जुलाई से होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। सिंधु का मौजूदा सत्र का यह तीसरा खिताब है। उन्होंने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय और स्विस ओपन के रूप में 2 सुपर 300 टूर्नामेंट जीते। सिंधु ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक के अलावा विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीत चुकी है। इससे पहले सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की साइना कावाकामी को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। सिंधु ने 32 मिनट तक चले मैच में 21-15, 21-7 से जीत दर्ज की। सिंधु का जापानी खिलाड़ी के खिलाफ मैच से पहले जीत का रिकॉर्ड 2-0 था और दोनों के बीच अंतिम मुकाबला 2018 चाइना ओपन में खेला गया था। इसी तरीके की तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको